हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस के रिगार्डिंग क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ। इस क्रैश कोर्स में हम क्वेश्चंस के थ्रू पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और आप लोगों को एग्जामिनेशन में यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्रैश कोर्स को लास्ट तक फॉलो कीजिएगा, आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। साथ में मैं आप लोगों को यूपी स्पेशल का कंटेंट ज़रूर प्रोवाइड कराने वाली हूँ, यूपी से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो मेरा क्रैश कोर्स है ये दोनों ही लैंग्वेजेस में होगा, हिंदी और इंग्लिश, जिससे कि दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा ले सकें। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस, नए नए लेक्चर्स लेकर आऊँगी, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा और आप लोग उन कोर्सेज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे, सबसे पहले मेरी वीडियोस देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुटे थे एक। रॉबर्ट ब्रूस फुटे हु डिस्कवर्ड फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया वॉज एन। तो जो हमारे रॉबर्ट ब्रूस फुटे थे वो कौन थे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस क्वेश्चन के दो आंसर होंगे, वो एक जियोलॉजिस्ट भी थे और वो एक आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। तो हिंदी में देख लेते हैं, वो एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और वो एक पुरातत्वविद भी थे। तो इस क्वेश्चन के दोनों ही ऑप्शंस आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चुंदड़ाहों के उत्खनन का निर्देशन किया था। अब आप लोगों को बताना है, द एक्सकेवेशन एट चुंदड़ाहो वॉज डायरेक्टेड बाय, इनमें से किसने चुंदड़ाहों के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जे एच मैकई। देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, ज़्यादातर जो हमारी साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उनका एक्सकेवेशन जॉन मार्शल ने किया है, लेकिन चुंदड़ाहों का अलग से जे एच मैकई ने किया है और ये एक अमेरिकन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। हु अमंग द फॉलोइंग आयुर्वेदाचार्यज वॉज एडुकेटेड एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो आप लोगों को बताना है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में इनमें से किसने शिक्षा प्राप्त की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवक, ऑप्शन डी जीवक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन वॉज परफॉर्म्ड एट, कहाँ पर किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ में। जो हमारे गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला सरमन, पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। तो इसीलिए हम उसे कहते हैं, वहाँ पर ही हमारा धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका है। डिमेकस केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार के टाइम पर डिमेकस भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था। ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी के और किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स डिफीटेड द हूनास, तो हून को किसने हराया था, स्कंद गुप्त ने। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक है, आप लोगों को फाउंडर बताना है गजनी राजवंश का। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ गजनवाइट डायनेस्टी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सुबुतकीन। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली यूपी के एग्जामिनेशंस में ही पूछा जाता है और काफ़ी डीप से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया था। हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड बाबर इन द बैटल ऑफ सरे पुल, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अब्दुल्ला खां उजबेक ने बाबर को हराया था सरे पुल की बैटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी,
ये इंग्लिश में नहीं आ पाया है तो मैं आप लोगों को वैसे ही बता देती हूँ। हमारा जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, किस एरिया के सिपॉयज ने मैक्सिमम पार्टिसिपेट किया था? तो ये आंसर हो जाएगा अवध से, सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन था अवध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी हैं? अगेन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हु अमंग द फॉलोइंग फेमस रिफॉर्मर्स रोट द बुक ज्ञान योग, कर्म योग एंड राजयोग? तो आप लोगों को ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग ये तीनों पुस्तकें इन्होंने ही लिखी हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चंस लेकर आई। आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। बाकी मैं आप लोगों की पूरी तैयारी कराऊंगी इस क्रैश कोर्स के थ्रू, और आप लोगों को पता चलेगा कि लोअर पीसीएस में डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा हाई होता है जनरली, और एग्जामिनेशन से थोड़ा क्वेश्चंस हटके पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को उन क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। और हिस्ट्री में तो खास तौर से क्वेश्चंस हटके पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये सीरीज़ अच्छी लगी है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसे कंटिन्यू रखूं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अच्छी अच्छी स्टार रेटिंग्स दीजिएगा। थैंक यू सो मच।